नमस्कार दोस्तों, आज का केस स्टडी हमारा डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज लिमिटेड के ऊपर है। तो ये कंपनी हमारा 1984 में शुरू हुई थी, जो कि इसके और इसके जो फाउंडर है उनका नाम है कलाम अंजी रेड्डी। ये पहले हमारा मतलब इस कंपनी की शुरुआत से पहले एक मेंटर की तरह काम करते थे इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड में। और ये कंपनी 190 मेडिकेशन, 60 API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स फॉर ड्रग मैन्युफैक्चर, डायग्नोस्टिक किट, क्रिटिकल केयर एंड बायोटेक्निक्स प्रोडक्ट में काम करती है। ये NSE, BSE एंड NYSE में भी लिस्टेड है, मतलब ये ना ही इंडियन स्टॉक एक्सचेंज बल्कि फॉरेक्स स्टॉक एक्सचेंज में भी ये लिस्टेड है। और इसका जो हेडक्वार्टर हमारा हैदराबाद तेलंगाना में है और प्रिंसटन न्यू जर्सी US में भी इसका हेडक्वार्टर है। तो ये पूरा वर्ल्ड वाइड अपना बिजनेस करती है। चलिए देख लेते हैं इसके की पीपल के बारे में। इस जीबी प्रसाद इसका को चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है। कलाम सतीश रेड्डी जो कि चेयरमैन है और वो फाउंडर भी है। और एरिस इसराइली इसके CEO है। और क्या क्या प्रोडक्ट वो डील करते हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए फिर भी और एक बार देख लेते हैं। ये फार्मास्यूटिकल जेनरिक ड्रग, ओवर द काउंटर ड्रग्स, वैक्सीन, डायग्नोस्टिक, कॉन्टैक्टलेस, एनिमल हेल्थ में भी काम करती है। तो इसका जो रेवेन्यू है वो 17,460 करोड़ की है और ऑपरेटिंग इनकम इसका 1,599 करोड़ की है। नेट इनकम 1,950 करोड़ की है। टोटल एसेट इसका 23,156 करोड़ की है। टोटल इक्विटी उसका 15,499 करोड़ की है। और इसका मतलब मार्च 2020 के हिसाब से, पिछले साल के हिसाब से इस कंपनी में 21,650 एम्प्लॉइज काम करते हैं। तो चलिए इसके शेयर के बारे में और थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, क्या क्या इसका शेयर वैल्यूज अभी चल रहा है। तो इसका जो मार्केट कैपिटल, पूरा मार्केट कैपिटल 77,806 करोड़ की है, जो कि बहुत ह्यूज और लार्ज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। उसका जो करेंट प्राइस अभी चल रही है 4,676 में और उसका स्टॉक PE 48.1, इसका बुक वैल्यू 1050 और डिविडेंड यील्ड 0.53% का डिविडेंड देता है। ROCE वो 15%, ROE 11.4% और इसका फेस वैल्यू 5 रुपीज है। अब चलिए इसके प्रोस एंड कंस के बारे में देख लेते हैं। इसका जो प्रोस है, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, मतलब ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। एंड कंपनी हैज मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 19.72% का ये डिविडेंड भी पे कर रहा है। और इसके जो कंस के बारे में बात करें तो कंपनी हैज डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 5.34% ओवर पास्ट फाइव, पर पिछले 5 साल में इसका सेल्स थोड़ा कम हुआ है। ये थोड़ा इसका नेगेटिव पॉइंट है। और इसका पीयर कंपैरिजन किसके किसके साथ है ना, सन फार्मा इंडस्ट्रीज, सिप्ला, पेरामल एंटरप्राइजेस, टोरेंट फार्मा, कैडिला हेल्थ, बायोकॉन और अरविंद फार्मा, ये इसके साथ पीयर कंपैरिजन है। तो अभी हम लोग इसका प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसका नेट प्रॉफिट देखा जाए तो 2018 में इसका जो प्रॉफिट है 576 करोड़ का था, 2019 में 1277 करोड़ का, 2020 के हिसाब से 2938 करोड़ का और 2021 में 2186, मतलब इतना करोड़ की है। मतलब देखा जाए तो एक हिसाब से इसका टर्नओवर, इसका जो प्रॉफिट बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ हो रही है। अब उसका CAGR को कैलकुलेट किया जाए तो देखा जाए तो वो 10 ईयर में, पिछले 10 ईयर्स में लगभग 11% का CAGR मतलब प्रोवाइड किया। चलिए देख लेते हैं इसका, अगर 10 ईयर में पहले किसी ने 1 लाख लगाया होगा तो उसका रिटर्न कितना आ रहा होगा। चलिए एक बार CAGR कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए बुक अमाउंट 1 लाख डाल देते हैं और CAGR परसेंट हमारा जैसे कि 11% था और नंबर ऑफ पीरियड जैसे 10 साल के था, अगर कैलकुलेट किए तो देख लेते हैं कितना आ जाता है आपका CAGR। अच्छा ये आज आ गया 2,83,942 रुपीस, उससे भी ज़्यादा अमाउंट का इसको रिटर्न मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है, मल्टीबैगर स्टॉक है। चलिए और एक बार और थोड़ा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, देख लेते हैं कि इसका अभी जो शेयर प्राइस डॉक्टर रेड्डी शेयर प्राइस के बारे में चलिए और थोड़ा देख लेते हैं। हाँ अभी का देखिए, ये जो शेयर प्राइस हमारा अगर 1 मंथ में देखा जाए तो
लगभग ये 0.11% का और 6 मंथ में का ये नेगेटिव में चल रहा है, और अगर 5 ईयर का हम लोग देखें तो 53.66% का ये रिटर्न प्रोवाइड किया है। बहुत ही अच्छा शेयर है, और हम अगर आप लोग ये शेयर परचेज करना चाहते हैं, ये अपना पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली कंपनी के बारे में और भी रिसर्च कीजिए। और हाँ, एक बात, कभी भी किसी से उधारी या लोन लेकर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए, ये बहुत ही बुरी चीज़ है। आपका जितना कैपेसिटी है आप उसी के हिसाब से, मतलब जितना लॉस हो जाए तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही इन्वेस्ट कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।